कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही जरूरी एक्सेसरीज अपने कार में लगाना भूल जाते हैं, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बहुत मस्ट है। आप रोड पे चल रहे हो सकता है 90% टाइम आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती से आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड इस बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, बट आज बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम को देख के मुझे लगता है कि इस बारे में आपसे बात करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं जो हम कार में एक्सेसरीज लगाते हैं उसके बारे में। हम कार में एक्सेसरीज में बहुत पैसा खर्च करते हैं गाइस। आप कभी जाओ करोलबाग मार्केट, कभी जाओ अपने आसपास के एक्सेसरीज मार्केट, आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा किया जाता है हम इंडियंस द्वारा कार के ऊपर। हम अपने कार में एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल करा देते हैं, हम फ्लोर मैट्स लगाते हैं, हम महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हैं, हम बहुत सारे एक्सेसरीज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं भी होती शायद वो भी अपने कार में इंस्टॉल करा लेते हैं। बट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज अपनी कार में इंस्टॉल कराना भूल जाते हैं, एंड जो आप मेजॉरिटी ऑफ कार्स में देख लोगे, अब मार्केट, अब इंडिया में रोड्स पे जितनी भी कार्स चल रही है, आपको मेजॉरिटी ऑफ कार्स में वो चीज मिस मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैश कैम की। डैश कैम जैसा फीचर आपकी कार में आज के टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको मेजॉरिटी ऑफ कार में मिस मिलेगा। पॉइंट बताता हूं मैं यार, इसके क्या है, क्या हेल्प मिल सकती है आपको अगर आपके कार में डैश कैम इंस्टॉल हो। सबसे पहली बात, आपको पता है इंडिया में कितने ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आप रोड पे चल रहे हो सकता है 90% टाइम आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती से आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए। उस केस में अगर आपके पास एक डैश कैम इंस्टॉल है तो आपके पास एक प्रूफ तो है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका एक आपके पास एक प्रूफ तो है, आप कुछ प्रूफ तो दे सकते हो। बट अगर आपके पास डैश कैम ही नहीं है, चाहे किसी और की गलती से अगर आपने लेट सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या प्रूफ दोगे किसी को। तो एक डैश कैम का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसपे ये डैश कैम आपका काम कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस के केसेस में लेट सपोज आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया एंड ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि आपने ये रूल ब्रेक किया है, तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है कि आप उनको दिखा सकते हो कि भैया नहीं, हमने तो ये रूल ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हो हमारे वीडियोस में। तो ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं जहां पे ये डैश कैम आपकी बहुत हेल्प करता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि अब जो न्यू रूल आ गया हिट एंड रन का, उस केस में आपके पास एक डैश कैम होना बहुत मैंडेटरी है, आपके पास एक प्रूफ होना बहुत मैंडेटरी है। अब कहीं किसी सामने वाले की गलती से आपकी कार का एक्सीडेंट हो रहा है यार, तो उसमें आपके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए जो आप दिखा सको कि नहीं यार ये प्रूफ है, मेरी गलती नहीं थी। उस केस में भी आपके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको अपनी कार में जरूर लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को एक रूल करना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि आपको हर मॉडल पे डैश कैम आपको बाय डिफॉल्ट देना ही देना है। और ये एक, इसको एक्सेसरीज भी ना बोल को, इसको एक मैंडेटरी चीज बोल दो आप कार के लिए, जो कि होनी ही चाहिए आपकी कार में। हर बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपके पास मैंडेटरी डैश कैम होना चाहिए। और ये सच बताऊं तो मेरे हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि आज के बाद जितनी भी कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हो उसमें आपके लिए डैश कैम इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अब्रॉड फॉरेंस में आप जाओगे तो आपको वहां पे मोस्टली कार, इवन बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब में आपको डैश कैम मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फीचर है ना जिसको हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए और डैश कैम जरूर इंस्टॉल करिए अपने कार पे। मैं कह रहा हूँ भले यार आप और चीजें मत करिए खर्चा और चीजों में, और म्यूजिक सिस्टम में हम लाखों रुपए लगा देते हैं, हम बाकी के ऐसी चीजें लगाते हैं जिसके हमारे वार में रिक्वायर्ड नहीं होती, बट फिर भी हम लगा लेते हैं। उन एक्सेसरीज को छोड़ के आप डैश कैम में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके काम आएगा। तो गाइस, छोटी सी वीडियो थी और यही बताना चाहता था कि ये एक्सेसरीज अपने कार में जरूर इंस्टॉल कीजिए। मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ आपको जरूर इसको अपने कार में इंस्टॉल कराना चाहिए, एंड आई होप इस वीडियो के बाद शायद कुछ लोग मेरे से एग्री करेंगे और ये एक्सेसरीज अपने कार में इंस्टॉल कराएंगे। तो गाइस, इसी आशा के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।